नमस्कार, साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। क्लस्ट्रोफोबिया, फोबिया के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा। क्लस्ट्रोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें बंद स्थानों से डर लगता है। जैसे इंसान को लगता है कि वो बंद हो जाएगा तो उसके लिए बहुत सारी परेशानियाँ आ जाएंगी। जैसे बंद कारों से उसे डर लगता है, बंद दरवाजे से उसे डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, इसे क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। ऐसा इंसान लिफ्ट में चढ़ना पसंद नहीं करता है, बस में, कार में, ट्रेन में सफ़र करना पसंद नहीं करता है। उसे लगता है कि लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, वो अकेला पड़ जाएगा। यहाँ तक कि स्नान करते वक्त भी वो दरवाज़ा बंद करना पसंद नहीं करता है। उसे लगता है कि बंद दरवाजे में उसे बेचैनी महसूस होगी, उसे लगता है कि कुछ हो जाएगा बस। इसे क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। आज साइकोलॉजी की हम बात करें तो इसे कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। आज दो कैटेगरी जिसके अंदर हम इस क्लस्ट्रोफोबिया को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे फर्स्ट लेयर कहें, टॉप लेयर कहें, जिसके अंदर कॉन्शियस लेवल से जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और दूसरा है बॉटम लेवल, जिसके अंदर अनकॉन्शियस लेवल से जो सिस्टम में परिवर्तन होता है, जो स्टोर हैं चीज़ें, उसे बॉटम लेयर कहा जाता है। जो टॉप लेयर है उसके अंदर तीन कैटेगराइज की गई है क्लस्ट्रोफोबिया की, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ फियर की किस चीज़ से रिलेटेड फोबिया है। उसमें सबसे पहले क्लस्ट्रोफोबिया की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट यही है कि बंद स्थानों से डर लगना, गुफा से डर लगना, बंद कार से डर लगना, अंधेरे कमरों से डर लगना, ऐसी जगह जहां पर बंद है उन जगह पर जाना पसंद नहीं करना, वो ऑब्जेक्ट या ट्रिगर का काम करता है। ये ऐसा फोबिया है जिसमें इंसान असहज महसूस करता है बंद स्थानों से। दूसरा, इसमें कुछ बॉडी माइंड रिएक्शन होते हैं, क्योंकि जो माइंड में चीजें हैं वो बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है। तो माइंड में अगर विचार फोबिया वाले हैं, इरिटेशन वाले हैं, तो इससे बॉडी में क्या परिवर्तन होंगे। बॉडी माइंड रिएक्शन ये होता है कि इसमें पसीना आने लग जाता है, पसीना महसूस होता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्रीथिंग सिस्टम बदल जाता है, ब्रीथिंग का पैटर्न पूरी तरह से असहज होता है, इरिटेशन महसूस होती है, असहज महसूस करता है क्लस्ट्रोफोबिया के अंदर बंद स्थानों से। भागने का विचार आता है कि सिचुएशन से बस भाग जाऊं, फियरफुलनेस, डरा डरा सा महसूस करता है, पूरी बॉडी स्किप हो जाती है, जैसे सिकुड़ सी जाती है। तो ये बॉडी माइंड रिएक्शन होते हैं क्लस्ट्रोफोबिया के अंदर, और इससे सेफ्टी बिहेवियर अपनाता है, कुछ सेफ्टी मैकेनिज्म अपनाता है इंसान। वो सेफ्टी मैकेनिज्म है कि ऐसी जब सिचुएशन आए उसके सामने तो वो कल्पना मात्र से ही डर जाता है, उससे बचने की कोशिश करता है, बंद स्थानों पर जाना पसंद नहीं करेगा, अगर पहुंच भी जाए तो वहां से बस भागने की सोचेगा। ऐसे स्थानों पर जाना उसे कतई अच्छा नहीं लगेगा, जहां चीज़ें बंद हो, बंद कार में नहीं जाएगा, लिफ्ट में चढ़ना पसंद नहीं करेगा, अगर 10वीं मंजिल पर जाना है, लिफ्ट की सुविधा है, तो वो लिफ्ट में नहीं जाएगा, बस जाएगा तो सीढ़ियों से चढ़ के चले जाएगा, उसमें शायद टाइम उसका ज़्यादा लग जाए, एनर्जी ज़्यादा लगे, लेकिन लिफ्ट से नहीं जाएगा, उस सिचुएशन से बचने की कोशिश करेगा, अंधेरे कमरे होंगे वहाँ जाएगा नहीं, और जाना भी पड़े तो लाइट लेकर के, लाइट ऑन रखेगा कि लाइट की सुविधा हो। तो इस तरह के वो सेफ्टी बिहेवियर अपनाता है, अपने लिए कुछ पहले से इंतजाम करके रखता है कि ऐसी सिचुएशन आई तो मैं ऐसा करूँगा, क्योंकि क्लस्ट्रोफोबिया के अंदर पूरा दिन इसी उधेड़बुन में लगा लेता है कि ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, वो इसी के अंदर अपनी एनर्जी जाया करता रहता है। और बॉटम लेवल के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे उसे बहुत प्रकार के डर होते हैं कि अंधेरे स्थानों पर अगर मैं जाऊं या अंधेरे स्थानों पर अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो मैं मर भी सकता हूं, मौत का इसमें डर होता है कि मर जाऊंगा, अगर वहां कोई नहीं हुआ तो कैसा महसूस होगा, असहज महसूस हो जाऊंगा, पूरी तरह से एकदम खुद को अकेला महसूस करने जैसे विचार उसके अंतर्मन में डर के रूप में बैठे हो। बंद स्थानों से सोफोकेशन महसूस होना, घुटन महसूस होना, ऐसा लगना कि अगर मैं ऐसे स्थान पर गया जहां पर बंद है, ऑक्सीजन नहीं है, तो मेरी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, मेरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, तो ऐसे उसके अंतर्मन में डर बैठे होते हैं। तो ये कुछ लक्षण और ये कुछ इस फोबिया के बारे में कैटेगराइजेशन था। अब जानते हैं कि इस फोबिया का इलाज क्या है,
क्या है वो तरीके जिनसे इसका इलाज होता है, तो इसके लिए थेरेपीज हैं, साइकोथेरेपीज हैं, सीबीटी साइकोथेरेपी है, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी है। आज श्रीमद् भागवत गीता भी एक साइकोथेरेपी के रूप में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, क्योंकि डर के साथ, बंद स्थानों के साथ जो उसका एसोसिएशन बन चुका है, जो विचारों के साथ उसकी लिंकेज हो चुकी है, उस पैटर्न को तोड़ना है। जो विचारों के साथ डर का पैटर्न बन चुका है, उन पैटर्न्स को तोड़ना इन थेरेपीज के अंदर शामिल होता है। तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं, आज ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। आपको किसी काउंसलर या मनोवैज्ञानिक साइकोथेरेपिस्ट के पास इतने जाने के लिए या दूर जाने की जरूरत नहीं है। फोन के ऊपर आप एक कमरे में इलाज ले सकते हैं। तो फोबिया से घबराने की आप बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इलाज आपके फोन पर उपलब्ध है। आप मुझसे बात कर सकते हैं, किसी अन्य काउंसलर से बात कर सकते हैं, बस जरूरत है तो इलाज की, ना कि इस फोबिया के कारण अपनी प्रतिभा को, अपनी जो क्षमता है उसको रोक के रखना। क्योंकि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उनको रोकने वाले ये फोबियाज तो हैं। अगर ये फोबिया दूर हो जाएं तो इंसान वास्तव में मानवता के लिए एक वैल्यू ऐड कर सकता है, एक चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। आप इन वीडियो को देखते हैं और लाइक शेयर भी करते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से ऋणी हूं।